तो इस महफिल का आगाज करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए शायद सर के लिए पहले। इस महफिल का आगाज करते हैं बशीर बद्र साहब के एक शेर के साथ कि मैं तमाम दिन का थका हुआ तो तमाम शब का जगा हुआ, मैं तमाम दिन का थका हुआ तो तमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जा इस मोड़ पे तेरे साथ एक शाम गुजार लूं, तेरे साथ एक शाम गुजार लूं। शाम मस्तानी मंद होश किए जाए, ये शाम मस्तानी मंद होश किए जाए, कोई डोल मोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मंद होश किए जाए। क्या पाए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। अच्छाई पे चर्चा, अच्छाई पे चर्चा करने को बैठे हैं, अच्छाई पे चर्चा करने को बैठे हैं, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी बातें करने को बैठे हैं, ये शाम एवरीवन मस्तानी मंद होश किए जा, कोई डोर कोई खींचे तेरी ओ लिए जाए, तेरी ओ लिए जाए, तेरी ओ लिए जाए। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, आप सब सोच रहे होंगे ये बंदा यहाँ क्यों, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मैं वो हूँ जिसका आप सबको बेसब्री से हर शो और इवेंट से पहले इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं होता होगा, क्योंकि उसके होने या ना होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, मैं वो हूँ जो आप सबको बताएगा कि यहाँ क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है और क्या करना चाहिए। तो ठीक है, मैं हूँ आप सबका नॉन प्यारा द डिस्क्लेमर, जिसको शायद ही आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा समझा होगा, पर आज ये डिस्क्लेमर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज इस इवेंट के सभी तथ्य कहानियाँ व्यक्ति और उनके वाक्य सब कुछ सच है, कुछ भी काल्पनिक नहीं। तो प्लीज़, तो हमारा सिर्फ इतना ही इरादा है कि आज हम सब आपको हंसाएं और इन्जॉय करवाएं, तो किसी को भी कोई भी लाइन अगर दिल पे लगे उनके नाजुक दिल को ठेस पहुंचाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि बुरा मान के क्या उखाड़ लोगे। और मामू कोई मनाने वाला तो है नहीं, और वैसे भी कहते हैं ना व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस, तू समझा? नहीं 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 नहीं, तू नहीं समझा, मैं समझाता। मतलब जो आज यहाँ होगा उसको यहीं तक रखो, बाहर मत लेके जाना, ठीक है? तो प्लीज़, अब 31 मार्च, 1st week of April, I'll remember everything. अब हम सब तालियों और गालियों के साथ स्वागत करते हैं आपके होस्ट और मेरे दोस्तों का, प्रतीक और मयंक का। थैंक यू गाइस, बहुत ही अच्छा डिस्क्लेमर दिया अखिलेश तुमने। हेलो पब्लिक, वेलकम टू चाय पे चर्चा। कैसा लग रहा है एक बार बता दो यार। बस, सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट। मैंने चाय मिलेगी मिलेगी, इधर आ जाओ। अच्छा, हमारे गेस्ट के लिए मैंग ने कुछ लिखा है, मैंग सुनाना चाहोगे? हाँ सर, आप अगर स्टेज की तरफ आए तो मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी का बकरा नहीं बना हुआ आज। बिल्कुल सर, इनको भी तो बनाओ बल्ली का बकरा। सर जो है बहुत ही मतलब फनी गो लकी पर्सन है, आई थिंक यू ऑल गाइज नोज। तो सर की मुस्कुराहट पे कुछ लिखा है मैंने,
इरशाद इरशाद कि आपकी ये खूबसूरत मुस्कुराहट, आपकी ये खूबसूरत मुस्कुराहट, आपके आने से पहले की वो आहट, आपकी ये खूबसूरत मुस्कुराहट, आपके आने से पहले की वो आहट, कर रही बेचैन जाने क्यों ये मुझको, कर रही बेचैन जाने क्यों ये मुझको, जैसे पत्तों से निकलती सरसराहट, आपकी ये खूबसूरत मुस्कुराहट। और पास आकर बैठ जाओ तुम मेरे अब, पास आकर बैठ जाओ तुम मेरे अब, दूर रहकर पढ़ नहीं पाता लिखावट, आपकी ये खूबसूरत मुस्कुराहट, आपकी ये खूबसूरत मुस्कुराहट। बहुत जोरदार करो। एक डिजाइनर होने का फायदा है। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट, द चार्मिंग हैंडसम ओजी ऑफ मनुपात्र विद हिज किलिंग स्माइल हिज लाफ एंड हिज विंक। आर सी ओ मिस्टर दीपक कपूर। Oh, please sit there. तो सर अभी कैसा लग रहा आपको हॉट सीट पे बैठ के? हॉट सर हमने सुना है आपकी तबीयत खराब हो गई थी ये हॉट सीट बहुत ज़्यादा। दवाई लेके आ रहा हूँ। सर के लिए अदरक वाली चाय आनी चाहिए। तो सर शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा एक इम्पोर्टेंट काम है बहुत इम्पोर्टेंट काम है। डिस्क्लेमर एक जैसे डिस्क्लेमर था वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कैन यू कुछ है हमारे पास शपथ हमें दिलवानी है आपसे स्टार्ट करने से पहले कुछ है? अच्छा अरे मनुपात्रा की है लॉब डेटाबेस और लॉब क्या है ये तो कुछ ब्रोशर लग रहा है मनुपात्रा ऐसा लग रहा है काफी हैवी है। तो सर इस पे आपको हाथ रख के शपथ दिलवानी है हमें। सर आपको बोलना है कि आप जो भी बोलेंगे सारे सवालों का जवाब ईमानदारी से बोलेंगे और हम लोगों को फायर नहीं करेंगे इस इवेंट के बाद। मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा और सेकंड पार्ट की मैं गारंटी नहीं लेता हूं। थैंक यू सर थैंक यू इतना चलेगा। मैं रिज्यूम अपडेट कर देता हूं। सर मैं सीवी अपडेट करो फिर। अरे हमारे लिए चाय नहीं आई क्या? तनीषा मार्केटिंग असिस्टेंट मैनेजर कहाँ है हमारी चाय? इंपोर्ट हमारे स्क्रिप्ट में नहीं थी। तो सर जनता के बहुत सवाल है आपसे, जितने लोग बैठे हुए हैं हमने उनसे सवाल लिए थे। अच्छा विभीषण ने जवाब बताया क्वेश्चन बता दिया मुझे। सर वी होप कि आंसर्स विल बी मोर इंटरेस्टिंग देन द क्वेश्चंस। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। शुरू करें? या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर यू कैन हैव अ टी ओके इफ यू वांट आई डोंट ट्रस्ट द कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट टीम। काफी फैंसी कप है। अच्छा बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो सर ये काफी ये तो सीजनल सवाल। बिकॉज यू आर सिटिंग विद द नारद मुनि गैंग। अच्छा दूर दूर से लोग जुड़े हैं हमारे साथ सर आपके सामने। हाय ऋषभ विभांटे हाउ आर यू फीलिंग? मैंने सबको म्यूट कर दिया। अच्छा शुरू करें सर फर्स्ट क्वेश्चन। सीजनल क्वेश्चन किसी ने पूछा है। सर आई गॉट टू नो दैट यू लाइक फ्लाइंग काइट्स। तो सर आप एक पतंग से कितनी पतंगे काट देते हैं? सर माय रिकॉर्ड इज 5 और 6 आई थिंक। अच्छा यू लाइक फ्लाइंग काइट्स। 15th अगस्त। अच्छा सर भैया शुभम अरोड़ा ने बताया होगा कि उसको मैंने एक डिमांड दिया था। कहाँ है वो? एक बार सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए तालियां हो जाए सर के। सर हमें लगता था कि आप पीछे चरकरी पकड़ते होंगे लेकिन अच्छा ओके। I've always been from the front, never the back room boy. अच्छा हाँ क्योंकि सर आपने आप जिस एरिया से हैं वेस्ट दिल्ली आई मीन सेंट्रल दिल्ली सर ब्लेम प्रियंका मैम फॉर दिस। राजेंद्र नगर लाजपत नगर। अच्छा
अच्छा प्रियंका मैम ये भी बोलती हैं कि आप राजेंद्र नगर से हैं पर सबको बोलते हैं कि लाजपत नगर. तो सर जमुना पार तो बहुत अच्छा वहाँ पे सर. हाँ जमुना पार नोएडा में बैठ. अच्छा, वो जमुना पार ही हो गया ना. अच्छा वहाँ पे तो आवाजें भी बहुत लगाते काटने के बाद. आपका क्या है सर फेवरेट? आईबो काटे. आईबो काटे जोर से. अगले दिन गला बैठ गया उंगलियों में बैंडेड. ओह नाइस. तो सर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बहुत ही सीरियस सवाल है कि इफ नॉट द सीईओ ऑफ मोनोपात्रा सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन लाइफ? पतंगबाजी. गोलीबाजी. सर दिलों का शूटर है मेरे स्कूटर. यही आंसर था सर. गोलीबाजी. रैपिड फायर आंसर दे दिया आपने. अच्छा ये किसी फूडी ने पूछा है. रुचि होगी? नहीं. नो सर नो सर. मैं समझ गया किसने पूछा होगा. व्हाट इज योर फेवरेट फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड व्हाट इज योर फेवरेट स्ट्रीट फूड? मैकडी फास्ट फूड. और फेवरेट स्ट्रीट फूड? हाँ दिल्ली की चाट. क्या बात है. बढ़िया. सेंट्रल दिल्ली फेमस फॉर चाट. सर एक मतलब एक थोड़ा वैसा क्वेश्चन है कि लड़के बहुत डरे हुए हैं यहाँ पे कि जब भी वो आपको मतलब गुड मॉर्निंग कहते हैं तो आप आई विंग करते हैं ऐसे करके. लड़के घबराए हुए हैं सर. रॉन्ग टेंडेंसीज. तो सर कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़की को देख गुड मॉर्निंग कहा? बहुत बड़ी आंख गलत लोगों पे ही फटक जाती है. लेकिन सर रीजन क्या जानना चाहेंगे पब्लिक जानना चाहती है. मतलब आपको ये आदत कैसे लगी स्कूल कॉलेज में लड़के को देखते हैं? मेरी आई में माय बर्थ डिफेक्ट है. वो करेक्ट टाइम पे फ्लिक करने लगती है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड सा है. सर आपको आम खाना अच्छा लगता है? अच्छा ओके. ये मोदी जी और अक्षय कुमार का रेफरेंस दिया है किसी ने उनके इंटरव्यू का. तो सर आपको आम खाना अच्छा लगता है? और सर बहुत बढ़िया. सर खाना अच्छा लगता है चूसना अच्छा लगता है? आई नहीं 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 सवाल ये था कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? सॉरी ओके. अगर चश्मा आम होएगा तो चूस के खाएंगे. बाकी आम होएगा तो काट के खाएंगे. थोड़ा यार होस्ट को भी सपोर्ट करो. यार नर्वस. आप तो सपोर्ट करने आए थे क्या करें? अच्छा सपोर्ट से याद आया सर आप किसी ओनली इफ यू वॉन्ट टू आंसर दिस आप किसी पार्टी या लीडर को आपका कोई फेवरेट या आप उसे सपोर्ट करते हो? हाँ. आप बताना चाहेंगे? बीजेपी मोदी. राइट विंगर बहुत खुश है. लेफ्टिस्ट वालों की मैं रिएक्शन देख रहा हूँ फेस के. ताली नहीं बजाई उन्होंने. हाँ लाल सलाम वाले चुपचाप बैठे हैं. घर घर मोदी. सर एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बड़े प्रतीक और तो एक क्वेश्चन है सर कि व्हाट इज द मोस्ट लाइक एम्बैरेसिंग मोमेंट यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ? अगर आप शेयर करना चाहो कुछ फनी सा या फिर कोई रिसेंटली हुआ हो या पहले का जवानी के दिनों में सर कुछ एम्बैरेसिंग. आज और मेरे घर पे फोन मिला के पूछा जा रहा है भाई मैं किधर हूँ क्यों नहीं आया ऑफिस अभी. सर ये नहीं सर ये नहीं सर. मजा नहीं आया सर. ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा है इस आंसर से. सर लोग जानने को बैठे हैं बहुत बेताब है पीछे ऑडियंस. अच्छा सर इतना ही आंसर करना चाहिए. अच्छा जवाब दे देता हूँ. ओके ओके सर सर इज गिविंग. इट इज नॉट अ फनी इंसिडेंट बट इट हैपेंड अ मंथ एंड अ हाफ बैक. वी वर ऑन अ ट्रैक इन अ प्लेस कॉल्ड रायथल near Harshal, near Badrinath. It's a 6 kilometer long track, steep track. Sadak nahi, kuch nahi. And I consider myself very, 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 very fit for 18 years of age. People didn't catch the joke there. Sense of humor, sir, itna achha nahi hai na. Correct. Audience, but sir, contract samajh ke. So after 2.5 kilometers, I just couldn't walk. I was totally breathless. So that was very, very embarrassing. Because I thought I was so fit and I'll do that in 2 hours. But there was a reason. I was suffering from dehydration and I had a bad stomach. I wasn't eating. So basically the weakness
everything. So a month later, I was on a trip, on another trip, where I made sure I climbed and I walked on uphill 5 kilometers. So my situation was such, my family was ready to call a air ambulance to lift me from there, yeah, to a hospital. I was that bad. Sir, इसी से जैसे आपने कहा पहाड़ों पे कभी solo trip कुछ मारा हो कहीं पे अकेले? नहीं, दोस्तों के साथ, solo नहीं. बढ़िया सर. अच्छा, next question है सर कि recently you have visited US. What is the one thing which they have and we don't and vice versa? Which they have. गोरी में देखी होंगी सर वहाँ पे आपने. वो तो यहाँ भी है यार. यहाँ भी है सर. आपकी फोटो वायरल हो रही लिंक्डइन पे गोरी मैम के साथ. वो तो यार मेरी वाइफ की वो है कि वही फोटो खींची जब लेडीज थी वहाँ पे, जब जेंट्स ने तब नहीं खींची सर. आगे यूज करने के लिए कभी दैट आई ब्लेम माय वाइफ फॉर दैट. मतलब मैम नजर रखती हैं अच्छे से. एंड शी डेलिबरेटली सेंड इट टू प्रियंका. तो सर what is the one thing आपको लगता है US में यहाँ नहीं और या वहाँ पे है? They have too much land. Okay. Which I am jealous of. Because everything is open. Population बहुत है सर हमारी कंट्री में तो. Land नहीं है. Land. अगर वही अमेरिका वाला land होता आपको पता भी नहीं चलता यही population. सर ट्रिप की बातें चल रही है तो एक क्वेश्चन है अगला जो है कि have you ever like done any trip to the बनारस बेसिकली और आपने वहाँ पे 80 घाट पे जाके कभी वहाँ पे प्रसाद लिया 80 घाट का पुजारी से? सर अगर ये कोई बनारसी बाबू ही पूछ रहे हैं मुझे लग रहा है. सर कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस बनारस? ऑल आई लव्ड इट. वहाँ का खाना पीना चाट आई जस्ट लव्ड इट. या प्रसाद 80 घाट वाला ओके ओके था. क्या था क्या वो प्रसाद? प्रसाद था क्या? इफ यू कैन रिफ्रेश माय मेमोरी. वो तो गलत इंसान. वो अर्पित और प्रियंका उनसे पूछ ले, वो बता देंगे कैसा होता है. वो तो ही बनारस की बैठी हुई है. ये बनारस की है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, काफ़ी फनी क्वेश्चन है. इफ़ यू गेट अ चांस टू मेक अ पर्सन फ्रॉम आर कंपनी टू बी सीईओ फॉर अ डे, हु विल यू चूज एक्सेप्ट प्रियंका मैम एंड वेद जी? दिनेश. ये जिसने भी पूछा एक बार ताली हो जाए. दिनेश. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन. दिनेश. दिनेश. सर क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको दिनेश जी बन सकते हैं? ओ ही नोज एवरीथिंग ओवर दिस कंपनी यार. नो वन एल्स नोज. और देयर वन मोर पर्सन विनय द गार्ड. वो सर्वर भी ऑन ऑफ कर सकता है. काफी सेंसिबल आंसर था सर. दूसरा क्वेश्चन भी मतलब जो अगला क्वेश्चन. सुधाकर सर को दुख हुआ होगा ये सुनकर. सुधाकर सर भी लाइक हंस दे जरा मतलब ही नहीं होना. डिस्क्लेमर ने बचाया हुआ है. सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि टेल अस एनी टू नेम्स व्हिच यू व्होम यू वांट टू फायर फ्रॉम दिस कंपनी एक्सेप्ट मी एंड प्रतीक. माय सेल्फ एंड प्रियंका. सर डिप्लोमेटिक है. सर बी प्रैक्टिकल. नो प्रैक्टिकल. एचआर. उसके बाद हायरिंग ही नहीं होगी. सर दो ही तो एचआर हैं उनको. तुमने दो ही बोले ना यार. दो ही बोले ना. अभी तो प्रोविजन में पूरा नहीं हुआ. अच्छा नेक्स्ट भी थोड़ा फनी है. हु इज योर फेवरेट एम्प्लॉय एक्सेप्ट तनुज एंड उमेश? फेवरेट एम्प्लॉय एक्सेप्ट तनुज सर एंड उमेश जी. विजय सिंह. वो है नहीं है. हाँ विजय सिंह. क्या बात है. इनको पता नहीं है विजय खड़े हो जाओ तुम कौन हो यार.
हमें दिख नहीं रहे। नहीं हम जानते हैं, अच्छा जानते हैं। ठीक है, जवाब मिल गया ना सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? डोंट से बूस्ट। क्या डोंट हैव बूस्ट? तो सर मतलब जो इतने आप मतलब अभी भी इस उम्र में 18 इयर्स लेट मी रिमाइंड यू 18 इयर्स इस उम्र क्या क्या मतलब है यार मैं 18 इयर्स जो अभी भी मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी है क्या है इसका सर? आप वर्कआउट वगैरह करते हैं? या वॉक, जॉगिंग बंद हो गई बिकॉज ऑफ माय नी, बट आई वॉक 1 आवर। ओके दैट्स नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी सब सोचता हूं कि सवेरे अब ऑफिस आके कैसे बैंड बजाऊं सबका। अच्छा सर ये कॉलेज टाइम का क्वेश्चन है सर, आपने रैगिंग की थी जूनियर्स की अपने कॉलेज में या आपकी हो जाती थी? दोनों। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बहुत सीधा साधा रैगिंग थी यार। क्या मतलब क्या करवाते थे सर? जापना टाइप तो कुछ नहीं होता था ना? नहीं वो तुम्हारे इंजीनियरिंग में होता होगा अगर कभी गए हो। अच्छा वैसे हमने सुना है सर आप भी किसी ठीक ठाक कॉलेज से पढ़े हैं, कौन सा कॉलेज है सर? लाला श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। सही, इतनी परसेंटेज आ गई थी? आ गई थी सर। ये डिस्क्लेमर या कॉन्ट्रैक्ट टीम ने तो नहीं बना के दिया हुआ था सर? आपकी हिट लिस्ट में जो नंबर 1 पे है प्रियंका मैम, उन्होंने बनाया था। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इतने वेल ड्रेस्ड रहते हैं बेसिकली, मतलब वी ऑल से कि लाइक हमेशा आप बहुत ही अच्छे दिखते हैं, तो सर इसके पीछे का राज क्या है? मतलब आपका ड्रेस सेंस, कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, मैम है या फिर आप? ये अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो कहेगी ड्रेस सेंस अच्छी है। मतलब टिप टॉप बन के रहते हैं सर आप, मतलब कुछ तो राज होगा इसका। ना ना मैं टिप टॉप ये जीन्स टी शर्ट में दिखाई दूंगा, अगर मेरा बस चला मैं शॉर्ट्स में आने लगूं ऑफिस। हम देखना चाहेंगे सर, देखना चाहेंगे हम। ऋषिकेश में नहीं देखा था? अरे सर ऑफिस में, सर ऑफिस में। सर मैं तो था नहीं तो मैंने नहीं देखा, मुझे वो तो था ना, ऊपर वो हमेशा लेट आता था ऐसी जगहों में, वो सो रहा था टेंट में। अच्छा सर ये लड़कों का सवाल, कैसे इग्नोर किया सर? लड़कों का सवाल है सर। एक वो कौन है? अर्पित जैन, वो सारा फोटोग्राफी से गायब हो गया था। अच्छा सर लड़कों का सवाल है कि आपकी संतूर जैसी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? DNA, मम्मी पापा से मिला हुआ है गाइस। तो सर बेसिकली थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि मनुपात्र को लॉन्च करने का आइडिया कहाँ से आया? आपका कोई लीगल बैकग्राउंड भी नहीं है। ये देखो पिछले 21 साल से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, प्रियंका को आगे कर खड़ा कर दो, कहानी सुना दो। मैं नहीं सुनाता ये कहानी। एक समरी नए एम्प्लॉयज के लिए हम जैसे लोग, नहीं वो प्रियंका यहाँ पे आके सुना देंगे। ठीक है ठीक है। और अगर मनुपात्र नहीं तो फिर क्या सेकेंड ऑप्शन होता आपका? यार देखो यू नेवर डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। आपने डिसाइड किया था वेब डिजाइनिंग करो कुछ करोगे? नहीं ना, नहीं सर ऑब्वियसली नॉट। उसे बोला था मैं क्या नहीं इसको एडिटिंग में म्यूट किया जाए, इसको कट कर देना। अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी तक अनइम्पोर्टेंट था सर। नहीं ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, प्रोडक्शन जो है उसको टूर पे कब ले जा रहे हो सर? उनको वो पूछना चाह रहे हैं। है सर प्रोडक्शन टीम को टूर पे कब ले जा रहे हो? जल्दी गाइस, अब जल्दी पता नहीं कितनी जल्दी। अच्छा सर एक क्वेश्चन आया कि यार अगर प्रोडक्शन को ले जाऊंगा पता नहीं कितने सेलफोन खो जाएंगे। सर
तो सर आप प्रियंका मैम को हिटलर बोलते हो? नहीं मैं नहीं बोलता, मैं दो लोग और बता दूं जो बोलते हैं। बता दो सर, बता दो सर। मिस्टर श्रीधर राजामणि एंड मिस रिया राजामणि, इनके हस्बैंड और इनकी बेटी। अच्छा सर, मैम को दिल से बुरा लग गया। तो सर आप डील कैसे करते हैं फिर, क्योंकि आप तो राइट विंग से हैं मैम, हिटलर अगर नाजीवाद और संघवाद। जो हिटलर बोलते वो हो जाता है। अच्छा क्यों बोलते हैं सर मैम को हिटलर आप, ऐसा क्या कर दिया मैम ने आपके इंसिडेंट? वो सारी चीजें हिटलर, ऐसे करना ये होएगा, ये होएगा, वो होएगा। अच्छा मतलब बॉसी टाइप है मैम। आई हैव द वीटो राइट ऑन दैट, आई हैव द वीटो राइट ऑन दैट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेट बिहाइंड मनुपात्रा सक्सेस? द टीम ऑफ मनुपात्रा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सर थोड़ा हम आपका म्यूजिक टेस्ट जानना चाहेंगे कि आप कैसे गाने सुनते हैं, तो अगर आप अपना फेवरेट सॉन्ग बताना चाहे जनता को या गाना चाहे ऑब्वियसली। आई डोंट हैव ईयर फॉर म्यूजिक, सुनते ही नहीं सर आप। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, FM ऑन करता हूँ, ड्राइवर चला रहा होता है मैं सो जाता हूँ, जब मैं चला रहा होता हूँ मैं FM नहीं चलाता, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है, और मैं बदलता रहता हूँ चैनल। सर हमने सर पुराना सुना है सर कि आप गुलजार साहब को बहुत सुनते हैं। किसने बोल दिया ये? हेलो सर, हेलो, आई हैव नो ईयर फॉर म्यूजिक। आई हैव नो ईयर फॉर म्यूजिक, मुझे समझ में नहीं आती म्यूजिक। पहले भी नहीं सुनते थे सर, शुरू से? कभी शुरू से कभी नहीं, कभी इंटरेस्ट नहीं आया। सर बिना संगीत मतलब सबके अंदर होता है, आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत ही बेसुरा। अच्छा मयंक का परफॉर्मेंस कैसा लगा सर आपको? मयंक का परफॉर्मेंस बेसुरा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है सर। अच्छा अच्छा इसका आंसर तो मैं भी जानना चाहूंगा, किसी ने पूछा है सर कैन आई बोरो योर BMW फॉर अ डेट? नो नो, ये प्रोडक्शन से नो नो, ये चिंतन का तो नहीं है कि सर वो बता नहीं सकते हम किसका है। साफ मना कर दिया सर ने, देख लो भाई। सर थोड़ा कॉलेज लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि थोड़ा मुझे पूछते हुए घबराहट हो रही कि अगर कॉलेज टाइम में आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? बहुत। सो सर ये मतलब कैसोनोवा टाइप थे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाय तो बिल्कुल नहीं, शाय नहीं थे मतलब बिल्कुल भी लड़कियों के सामने? ना ना बिल्कुल नहीं। सर डबल डेट किया कभी? ट्रिपल भी किया। तालियां हो जाए सर की शाम के लिए। सर अभी करना चाहेंगे? क्यों नहीं। सर ये क्लिप क्या, कौन कह रहा है? व्हाई फॉर अ डे यार। नहीं पीछे से कौन बोला कि मैम को दिखाएंगे क्लिप? ये बात घर प्लीज यार, गो अहेड। मैम परमिशन, सर परमिशन है इतनी? हां शी इज मेड फॉर मोस्ट ऑफ देम यार। अच्छा सर व्हाट मेक्स यू एंग्री एंड हैप्पी द मोस्ट? आई बिकम वेरी इंपेशेंट। ओके तो अगर 16 अगस्त को प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ आई विल बी वेरी एंग्री। कॉन्ट्रैक्ट सर आई एम विद यू। एंड हैप्पी अगर 16 अगस्त को लॉन्च हो जाए एलबी आपके? सर तो वाइस वर्सा वाली बात, बहुत ज्यादा प्रेशर है कॉन्ट्रैक्ट पे। सही, आपने थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया, थोड़ा प्रैक्टिकल की, जैसे किसी चीज को पर्टिकुलर चीज पे थोड़ा गुस्सा आता हो या फिर किसी चीज को देखकर खुश होते हो आप?
इस टाइप से कुछ ओटीटी देख के बहुत खुश होता हूँ ओटीटी से। सर रीसेंट क्या देखा था आपने ओटीटी? अपना फोन निकाल के देखना पड़ेगा क्या देखा था, आई डोंट रिमेंबर नेम्स। अच्छा ओके सर, द बैड हैबिट यू वांट टू गेट रिड ऑफ ओटीटी। ये सर एक सवाल के सेम आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते यार? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 5 साल में 5 ग्राम गोल्ड क्यों नहीं मिलता है, 10 साल में 10 ग्राम मिलता है, तो 5 साल में 5 ग्राम क्यों नहीं? बहुत महंगा हो गया यार। 10 साल में महंगा ही है वजह? नहीं रीजन है 10 साल में एम्प्लॉय तो बहुत दूर है अभी 10 साल से। नहीं एम्प्लॉय का कमिटमेंट 10 साल में पता चलता है, 5 साल इज टू अर्ली। हाँ सर देना पड़ेगा आपको जवाब। ये अच्छा था वैसे, अच्छा पसंद, अच्छा अच्छा था यार। जिसने 15 कर लिया वो 20 भी करेगा ना। तेरे बहुत दिन है बेटे। सर थोड़ा पास्ट में चलते हैं, अभी किस्मत है। अभी हम प्रेजेंट में हैं। सर कोई ऐसे मेमोरेबल मोमेंट, मतलब इनिशियल स्टेज में जब स्ट्रगल चल रहा हो, कुछ मनोस्मृति कह सकते हैं जिसे जो आप शेयर करना चाहे यहाँ पर ऑडियंस के साथ? आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था जब, बिकॉज इट वॉज अ न्यू सॉफ्टवेयर, नन ऑफ अस, ओके वी आर नॉट इंजीनियर्स, हमारी सॉफ्टवेयर टीम थी, दे हैड नो क्लू एंड द सर्वर वॉज क्रैशिंग एवरी 5 मिनट्स। क्यों प्रियंका? क्रैशिंग एवरी 5 मिनट्स। सो वी हैड 1 पर्सन, उसका काम ही यही था ऑन ऑफ करना सर्वर का। तो दैट वॉज दिस थिंग या आई मीन प्रियंका एंड आई वेंट टू द US ऑल्सो टू द कंपनी विच डिजाइन डेवलप दैट सॉफ्टवेयर। वी वर देयर एंड इन फ्रंट ऑफ देम इन 1 आवर वी क्रैश द सर्वर 20 times या इवन दे वर सरप्राइज क्या हो रहा है। तो सर समस्या का समाधान कैसे निकला? हमारी टेक टीम ने ही निकाला। तालियां टेक टीम के लिए, तालियां सुधाकर सर के लिए। सुधाकर से पहले जमाने की बात है ये। सुधाकर सर के लिए तालियां हो जाए। इसको पता है बेटा मक्खन किस तरफ है। पैकेज कवर भी तो करना था सर पिछले वाला। अच्छा अच्छा और पुराने टाइम में चलते हैं सर। ये स्कूल और कॉलेज अभी कभी आपने बंक किया हो या बंक करके मूवी देखने गए हो? यार कॉलेज में बंक तो नहीं किया, कभी नहीं किया। कभी नहीं? कभी नहीं यार, जिस कॉलेज में मैं था वहाँ पे बंकिंग बहुत कम होती थी, हम थोड़े पढ़ाकू लोग होते थे। सर एकदम चतुर जैसे, चतुर और रणछोड़ दास हैं। अच्छा आपने 3 डेट देखी है सर? हाँ। तो उसमें चतुर या नहीं? नहीं वैसा नहीं। अच्छा सर जैसे म्यूजिक का तो पता चल गया मैं, तो मूवीज वगैरह? हाँ मूवी बोलो ना। ओटीटी देखता हूँ मैं। ओटीटी मूवी का नाम पूछ रहे हैं। ओ यार मेरे पास आ जाना, मैं अपना फोन खोल के दिखा दूंगा क्या क्या देख रहा हूँ। 5-6 एक साथ देखता हूँ। आधे आधे घंटे में चेंज करता रहता हूँ बेटे। 1 साल बाद वो भी ओटीटी से खेला करेगा। सर नवविवाहित युवक है ना। सर हमें पता चला है कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हो। तो जैसे मैम आपको, प्रियंका मैम जैसे आपको टेक्स्ट करती हैं, तो पहले आपकी डॉटर रिसीव करती हैं, फिर आपको बताती हैं, फिर देन रिप्लाई आता है, फिर वो आप रिप्लाई करती है, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो क्यों सर, मतलब क्यों इतनी दूरी बना के क्यों रखी है सोशल मीडिया से? आई डोंट बिलीव इन इट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। 99% ऑफ मैसेजेस आर यूजलेस एंड वेस्ट ऑफ टाइम। वैसे ही 10 घंटे स्क्रीन के सामने रहते हो और कितना रहोगे, 1 घंटा ओटीटी, कितना स्क्रीन टाइम वेस्ट करोगे। सर हम आपके लिए नोकिया आशा लाएंगे फिर। स्क्रीन तो आई गई ना। नहीं उस पर सोशल मीडिया नहीं होगा ना सर? सर मतलब आपने कभी अपने डॉटर या वाइफ के साथ कोई रील बनाई हो या टिकटॉक यूज किया हो?
नहीं। पता है ये कान में कुछ बोल के गई है कुछ? बिल्कुल भी नहीं सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्ले टेनिस? यू प्ले टेनिस? तो सर आपका फेवरेट टेनिस प्लेयर कौन सा है? फेवरेट टेनिस प्लेयर बॉग, बियॉन्ड बॉग, तुम लोगों के जमाने से पहले का। सर कोई ऐसी जगह जहां पर टेनिस खेलना हो आपको कभी, जैसे कुछ किसी सेंटर कोर्ट विंबलडन? ओके। और किसी के ऑडियंस से कोई सवाल? ऑडियंस विल टेक। ये बॉम्बे से दो सवाल। बॉम्बे से कौन? ये मनीष पांडे की होएगा। वो वाले दो काले। एट व्हाट एज डिड यू हैव योर फर्स्ट क्रश? ओहो 1 मिनट। मनुपात्र बीइंग अ सक्सेस स्टोरी नाउ, नेवर्थलेस वी हैड आवर अप्स एंड डाउन्स ओवर द इयर्स, वाज इट एट एनी स्टेज दैट द प्रेशर वाज सो अनबेरेबल यू नियरली थॉट ऑफ गिविंग इट अप, एंड इफ सो व्हाट गेव यू द करेज टू ओवरकम द सिचुएशन? नो, वी वर नेवर दैट डाउन that one was thinking of giving it up because of the team was always behind you. Okay, but he was around the team ke liye. Aur ek last question. Ar do the ab teen kaise ho gaya? ye pehle do india wale the, ab dhaka ka hai. So you would be missing the dhaka traffic, so when are you coming next? When you improve the dhaka traffic. काफी international सवाल आ रहे हैं। अच्छा audience से कोई पूछना चाहेगा? सेंट कोलंबस, शाहरुख खान वाला? यस। सर कहाँ पे है वैसे? बॉस इफ यू डोंट नो वेयर कोलंबस इज यू हाईली इलिटरेट। करवा ली भेजती। सर गोल मार्केट वाला था क्या ऐसा? सीजीएम सुना है? सीजीएम बस उसी के साथ बाजू में। सर की गर्लफ्रेंड थी सीजीएम से? बिल्कुल, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। ना 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 ना, आई एम नॉट सेइंग दैट। अच्छा मुझे नहीं लगता किसी को और कुछ पूछना है। किसी को पूछना है और सवाल? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, काफी सवाल पूछ लें, सर भी आंसर कर करके थक चुके हैं, तो चाय भी खत्म हो गई है। चाय भी खत्म हो गई है, चाय ली जाए दोबारा।